दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग करनी हो तो फ्यूसेट एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही असर वाला रास्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूसेट क्लेम करके बिल्कुल ही फ्री में आप ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हो। तो ये हाइपर की एक पूरी फैमिली है, तो इसमें लाइट कॉइन भी हमको बिल्कुल ही फ्री में मिलता था। अब यह दूसरी वाली है, डोज कॉइन के फ्यूचर है वो भी लाइव कर दी है। तो इसका साइनअप का और कैसे यूज़ करना है, कैसे क्लेम करना है, किस किस तरीके से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, वो सारी डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। तो उसका थंबनेल भी आपके स्क्रीन पर चल रहा है और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद इसमें कैसे साइनअप करना है, कैसे अर्निंग करना है, वो सारी डिटेल भी उस वीडियो में दी है, तो उस वीडियो को भी पूरा देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपने अभी तक क्रिप्टो न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बाजू में बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेट कर देना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी नई नई अपडेट आपको फटाफट से मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसका विड्रॉल कैसे लेना है वो बिल्कुल ही शॉर्ट में और बहुत ही कम टाइम में देख लेते हैं। तो ये हमारा होम वाला इंटरफेस है, यहाँ पर क्लेम करोगे तो हर 15 मिनट में एक बार क्लेम करने का मौका मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा डॉज कॉइन की यहाँ पर सतोशी होती है वो मिलती है। हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मिलती है, इसको कम मत समझना, डॉज कॉइन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है। फिर ऑफर वॉल है, यहाँ से भी हर 5 मिनट में आप क्लेम कर सकते हो। ये लक्की विल है, तो यहाँ से भी 5 मिनट में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी फुल डिटेल पिछले वीडियो में बता दी है। अब यहाँ पर 3 लाइन है, वहाँ पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस वाला ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर देख लो, मेरे पास अभी इतनी सतोशी है, यानी 0.35 जो डॉज कॉइन है वो मेरा यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर फ्यूसेट पे वहाँ पर ही विड्रॉल ले सकते हैं। तो फ्यूसेट पे का एक्सचेंज है जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सचेंज होता है और वहाँ पर बहुत सारे फ्यूसेट भी है, तो उसको भी आप डायरेक्ट ही इस फ्यूसेट पे के अकाउंट में क्लेम कर सकते हो और इसकी कोई फीस भी नहीं कटती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका विड्रॉल ले उससे पहले मेरे पास कितने डॉज कॉइन है, आज के कितने पे आउट मुझे मिले हैं वो सब भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा फ्यूचर पे का अकाउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरा वॉलेट वाला सेक्शन है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर देख लो, डॉज कॉइन 0.4848 है। ठीक है दोस्तों, अब स्क्रॉल करके नीचे जाके आज के पे आउट भी देख लो। पे आउट रिसीव टूडे 0, आज मुझे यहाँ पर कोई भी पे आउट नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर वॉलेट का एस्टिमेट बैलेंस 0.98 है और आज के दिन में $0 के कलेक्ट किए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब मैं वहाँ से विड्रॉल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो फ्यूचर पे का अकाउंट होगा उसका मेल आईडी डालना है, यानी जिस मेल आईडी से आपने फ्यूचर पे में अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसका मेल आईडी डालना होगा, फिर विड्रॉल लिखा है उस पर क्लिक कर लेना है। तो सबसे टॉप पर देख लो, पेमेंट सक्सेसफुली सेंड। ठीक है, तो मेरा पहला पेमेंट सेंड हो चुका है। अब उसके बाद फ़ौरन ही ये सेकंड विड्रॉल है तो वो भी देख लो, मेरा सेकंड विड्रॉल भी सेंड हो चुका है। तो दोस्तों, हम फ्यूचर पे में आ चुके हैं, हमने 2 विड्रॉल लिए थे तो वो भी आप यहाँ पर देख लो, 4848 था तो 0.52 हो चुका है। ठीक है, अब और ज़्यादा नीचे जाके आप यहाँ पर देख लो, 2 पेमेंट रिसीव्ड, आपके सामने ही पे आउट लिए यहाँ पर मिल गए। आज $0.003 का जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ से ग्रैब किया है। ठीक है दोस्तों, तो और ज़्यादा विड्रॉल्स है वो भी ले लेते हैं। तो ये मेरा तीसरा वाला विड्रॉल है, सबसे टॉप पर देख लो, सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर पे में आ गए हैं, यहाँ पर देख लो, डॉज कॉइन 0.82 हो चुका है। ठीक है, 4848 था, 0.8 पर आ चुका है। अब यहाँ पर देख लो, पे आउट रिसीव 17, तो मेरे 17 पे आउट यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। मेरा वॉलेट का एस्टिमेट बैलेंस भी 0.98 था, वो भी 1.01 हो गया। अब यहाँ पर कॉइन्स भी देख लो, 0.029 हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के आज आपके सामने ही अभी के अभी मैंने 17 विड्रॉल ली, तो 17 के 17 विड्रॉल मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। और आप यहाँ पर देख लो, 0.02, तो हर बार आप 0.02 डॉज कॉइन को विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल पेमेंट है सब। अब यहाँ पर डेट भी देख लो, 22nd में ये सब के सब आपके सामने अभी ही विड्रॉल लिया है। ठीक है, 22nd में। तो दोस्तों, यहाँ पर इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको विड्रॉल मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके पास अर्निंग का गजब का मौका है, हर 15 मिनट में यहाँ से क्लेम कर सकते हो। तो दिन में 4-5 बार भी क्लेम कर लोगे तब भी अच्छा खासा आपको यहाँ से अमाउंट मिल जाएगा और हर 5 मिनट के बाद स्पिन भी मिलेगा। तो जब जब यहाँ पर क्लेम करो तो इसको भी क्लेम कर लेना और इसके साथ साथ ये स्क्रैच कार्ड वाला है इसको भी क्लेम करते रहना। तो ये सब हमारे लिए साइड की इनकम है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बस इसको लेकर ही बैठे रहो। ये जो लाइट कॉइन है, डॉज कॉइन है, ये सारी इनकम होती है फ्यूचर वाली, ये हमारे लिए साइड की इनकम होती है।
यहाँ से $1, $2, $5 इस तरीके से ग्रैब कर लो। और फिर जो माइनिंग की एप्लीकेशन है, जिस तरीके से पोमो है, एमओजी वार्का है, तो वो सारे टोकन हमको मिलते हैं। तो उसमें जो फीस कटती है, उस फीस में यहाँ से आपने जो अर्निंग की होती है उसको यूज़ करो। और फिर इस तरीके से थोड़ी सी अर्निंग करके एयर ड्रॉप्स और माइनिंग एप्लीकेशन से ज़्यादा अर्निंग करो। और फिर उन सारी टोकन्स में और कॉइन्स में पंप आएगा तो अब आप उसको विड्रॉ करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को समझो और इसमें कब बाई करना है, कब सेल करना है, वो भी अच्छे से समझ लो। जब तक किसी भी टोकन या कॉइन का अच्छा खासा प्राइस आपको न मिले तब तक विड्रॉ मत करना। ठीक है, ये डॉज कॉइन है, इसकी भी अच्छी खासी वैल्यू है। तो एक डॉज कॉइन की वैल्यू $0.2 के आसपास चलती है, तो इसमें भी बहुत ही जल्द पंप तो आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएगा और उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।